हेलो एवरीवन मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट अनुसंधान रिपोर्ट के प्रकार मेनली रिसर्च रिपोर्ट के दो टाइप्स होते हैं टेक्निकल रिपोर्ट और पॉपुलर रिपोर्ट हम इन दोनों को डिटेल में देखने से पहले इसका मीनिंग देखते हैं एक रिसर्च रिपोर्ट स्ट्रक्चर होता है डेटा का जो भी हमने रिसर्च में फाइंड आउट किया है एनालाइज किया है जो भी रिसर्च स्टडी करके वो सब होता है हमारी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर तो डेटा जब भी हम कलेक्ट करते हैं एनालाइज करते हैं तो वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है तो हम उसमें से क्या करते हैं जो भी हमसे रिलेवेंट डेटा है हम उसको सिलेक्ट करते हैं सर्वे या फिर क्वालिटेटिव मैथड्स के थ्रू और हम उसको सिस्टोमेटिकली एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं और वो डॉक्यूमेंट होता है हमारा रिसर्च रिपोर्ट तो ये डिजाइन करते कि हम कैसे फैसिलिटेट करें फाइंड करें कि क्या रिकमेंडेशन है फ्यूचर के लिए अच्छे नॉलेज एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज को प्रोवाइड करें तो इसके अंदर सेवन मेन कंपोनेंट्स होते हैं इंट्रोडक्शन मैथडोलॉजी रिजल्ट डिस्कशन रेफरेंस रिसर्च की समरी और कंक्लूजन मतलब मेनली रिसर्च में क्या स्टडी उसके बारे में हम रिसर्च रिपोर्ट में बताएं फॉर एग्जाम्पल कि अगर बिजनेस फॉर्म में तो वो रिपोर्ट देती है लेटर के फॉर्म में हो सकता है बैंक इंश्योरेंस यूज करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए कि उनको शॉर्ट टर्म बैलेंस शीट बता सके ये टाइप होता है टैपुलरेशन में कि एनुअल रिपोर्ट आप देते हैं कस्टमर्स को शेयर होल्डर्स को मैथमेटिकल में आप यूज करते हैं इन्वेस्टिगेशन को लाइक अल्जेब्रिक नोटेशन को केमिस्ट्री में रिपोर्ट देते हैं आप रिजल्ट लाइक सिम्बल और फॉर्मूला के बेसिस पे कि आपने कुछ नया फार्मूला निकाला है कुछ नया सिम्बल डिस्कवर किया तो स्टूडेंट यूज करते हैं लिटरेचर का ताकि वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो उसका यूज़ कर सके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर सोशल पैथोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं केस हिस्ट्री के लिए कुछ नए आइटम से डेली वाले पेपर्स के लिए तो आप उनके लिए भी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का यूज़ करते हैं बुक रिव्यू के लिए क्या आप कर सके कंटेंट्स को रिपोर्ट्स को देख सके ऑथर के इंटेंशन को देख सके कि वो सक्सेसफुली अपने एम को अचीव कर पाया है या फिर नहीं कर पाया है सिमिलरली पी में भी थीसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो भी पी एच डी कर रहे हैं उनसे रिसर्च करवाते हैं कि उनको पता हो कि कैसे रिसर्च की जाती है या फिर किसी भी टॉपिक पे कैसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट जो कि दो है टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट और पॉपुलर रिसर्च रिपोर्ट तो टेक्निकल रिसर्च रिपोर्ट में आता है हमारी आउटलाइंस में रिजल्ट की समरी नेचर ऑफ स्टडी मैथड यूज डेटा प्रेजेंटिंग फाइंडिंग कंक्लूजन बिब्लियोग्राफी टेक्निकल अपेंडिक्स और इंडेक्स वहीं पॉपुलर रिपोर्ट आउटलाइन में आता है फाइंडिंग और उनकी इम्प्लीकेशन रिकमेंडेशन फ़ॉर एक्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी टेक्निकल यूज़ रिजल्ट और टेक्निकल अपेंडिक्स तो अब हम इन दोनों रिपोर्ट्स को डिटेल में देखते हैं फर्स्ट आता है टेक्निकल रिपोर्ट जो कि यूज़ किया जाता है रिटर्न रिपोर्ट होती है किसी भी चीज़ के बारे में रिकॉर्ड रखने के लिए तो इसमें रिसर्च के बारे में आप पब्लिकली रिपोर्ट देते हैं या पब्लिक उस रिपोर्ट को यूज़ कर सकती है उनके लिए आप टेक्निकल रिपोर्ट का यूज़ करते हैं नेक्स्ट आता है पॉपुलर रिपोर्ट ये रिपोर्ट यूज की जाती है रिसर्च के रिजल्ट के लिए कि आप किसी भी पॉलिसी को कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए हम इस रिपोर्ट का यूज करते हैं तो टेक्निकल रिपोर्ट में मेन तीन एम्फेसाइज होते हैं फर्स्ट है कि मेथड एम्प्लॉयड कि हमने कौन सी मेथड का यूज किया है क्या एजम्पन्स आई है उस स्टडी से और फिर आता है लास्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग और क्या लिमिटेशन है जो कि डेटा को सपोर्ट करते हैं कौन कौन सी चीजें टेक्निकल रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट होती है तो so, फर्स्ट आता है समरी ऑफ रिजल्ट एक ब्रीफ फाइंडिंग की समरी का रिव्यू होता है आपकी रिपोर्ट के अंदर क्या नेचर की स्टडी है यह डिस्क्रिप्शन में होता है कि क्या जनरल ऑब्जेक्टिव था आपकी स्टडी का क्या फॉर्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम है कैसे हाइपोथेसिस काम करती है और कैसे आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं नेक्स्ट है? आता है मैथड एम्प्लॉयड कि आपने स्पेसिफिक मैथड को यूज़ किया स्टडी उसकी क्या लिमिटेशन है एग्जाम्पल की सैम्पल का क्या साइज है सैंपल को कैसे सिलेक्ट किया और सैम्पलिंग नेक्स्ट आता है डेटा जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेटा कलेक्शन सोर्सेज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन नेक्स्ट रहता है एनाल ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग इसमें हम जो भी हमने डेटा से एनालाइज किया उसके बारे में हम टेबल्स बनाते हैं चार्ट बनाते हैं ताकि लोग उसको देख के इजीली समझ सके ये मेन पार्ट होता है रिपोर्ट का नेक्स्ट आता है कंक्लूजन अगर आपको उससे कोई सी पॉलिसी बनानी है या फिर आपने क्या फाइंडिंग की है वो आप रिजल्ट देते हैं नेक्स्ट आता है बिब्लियोग्राफी ये वेरियस सोर्सेज जिससे कि आपने डेटा को गैदर किया था आप उनके बारे में बताते हैं जो कि उससे रिलेटेड या फिर उससे अटैच होते हैं नेक्स्ट है टेक्निकल अपेंडिसिस आपको ऑल टेक्निकल मेटर जो कि क्वेश्चन या मैथमेटिकल ड्राइवेशन एलेब्रेशन होता है पर्टिकुलर टेक्निक्स के बारे में एनालिसिस का लास्ट आता है इंडेक्स जो भी अपने रिपोर्ट के एंड में देते हैं तो सिंपल प्रेजेंटेशन और रेडी अवेलेबल फाइंडिंग्स होती है और आप इसमें चार्ट और डायग्राम का यूज करते हैं नेक्स्ट आता है पॉपुलर रिपोर्ट ये एम्फोसाइज करता है सिंप्लिसिटी और अट्रेक्टिव पे इस सिंप्लीफिकेशन मतलब आप क्लियरली राइट कर मिनिमाइज करते हैं टेक्निकल को पर्टिकुलरली इसमें मैथमेटिकल डिटेल होता है लिबरल यूज होता है चार्ट और डायग्राम्स का अट्रेक्टिव लेआउट होता है कि इसमें आप लार्ज प्रिंट में सब हेडिंग्स को ओकेजनल कार्टून्स को या फिर पॉपुलर रिपोर्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स का यूज़ करते हैं तो रिसर्च एम्फेसाइज करता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कि कैसे किसी पॉलिसी को बनाना है उससे रिलेटेड हम ये रिसर्च करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल होता है या फिर क्या पॉपुलर रिसर्च की आउटलाइन होती तो इसमें है तो उसमें फर्स्ट है द फाइंडिंग एंड देयर एम्प्लीकेशन इसमें आपने पर्टिकुलर रिसर्च में क्या फाइंड आउट किया है वो मेन इंटरेस्ट होता है रीडर का और आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन फॉर एक्शन कि फ्यूचर के लिए आप रिकमेंड करते हैं कि क्या और स्टडी करना बाकी रह गया है क्या स्टडी करनी चाहिए नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी एक जनरल रिव्यू होता है कि कैसे प्रॉब्लम अराइज हुई थी और आपने उस स्टडी को करके उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया है नेक्स्ट आता है मैथड एम्प्लॉयड एक ब्रीफ और नॉन टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होता है मैथड का कि कौन सी टेक्निक्स का आपने यूज़ किया है इसमें इंक्लूड होता है शॉर्ट रिव्यू डेटा से रिलेटेड जो भी आपने स्टडी में किया है नेक्स्ट आता है रिजल्ट इसमें आप कंस्टिट्यूट करते हैं क्या मेन बॉडी है रिपोर्ट की क्या रिजल्ट है आप उनको क्लियरली नॉन टेक्निकल टर्म्स में लिबरल तरीके से लोग उसको यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट इलिस्टेशन चार्ट डायग्राम का यूज करके प्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट आता है टेक्निकल अपेंडिसिस इसमें मोर डिटेल में आप इन्फॉर्मेशन देते हैं कौन सी मेथड आपने यूज़ की है फॉर्म आपने यूज किया है और सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन जो भी आपको जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करनी है वो आप यहाँ पे देते हैं नेक्स्ट आता है जो भी पॉपुलर रिपोर्ट होती है इंपॉर्टेंट थिंग होता है इसमें आप एम्फेसाइज करते हैं कि सिंपल होना चाहिए और किसी भी पॉलिसी को कैसे बनाना है इसलिए हम इसे रिसर्च को करते हैं ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होती है इसमें हम कोई भी टेक्निकल डिटेल्स नहीं देते हैं या अवॉइड करते हैं और ये शॉर्ट होती है जितना हो सके इसका एम्फोसाइज होता है ये सिंपल हो अट्रेक्टिव हो इसमें यूज हो चार्ट और डायग्राम का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और और पॉलिसी का हम इम्प्लीकेशन कर सकें इस रिसर्च को करके नेक्स्ट आता है ओरल प्रेजेंटेशन यह आपने जो भी स्टडी की है उसके रिजल्ट को आप इफेक्टिवली तरीके से यूज़ करते हैं ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी को कि जब भी आपको डिसीजन लेना है तो आप कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे कैसे उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो ओरल प्रेजेंटेशन एक इफेक्टिव होता है सप्लीमेंट होता है बहुत सारी विजुअल डिवाइस का आप इसमें यूज़ करते हैं स्लाइड्स का चार्ट का बोर्ड का जिनकी हेल्प से आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है क्या डिसीजन लेना है उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं ये बहुत ऑफन होता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कि रिसर्चर डिस्कस करता है कि रिसर्च की क्या फाइंडिंग आई है कैसे पॉलिसीज़ को इंप्लीकेशन किया गया है या फिर सेमिनार या फिर ग्रुप डिस्कशन के अंडर तो मेन डीमेरिट्स होता है शॉर्ट प्रेजेंटेशन का कि इसमें परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होते रिसर्च में डिटेल में नहीं होता है पॉसिबल डिफ़िकल्टी होती है इसमें क्योंकि आप इसमें औरली डिस्कशन करते हैं और चीजों को शेयर करते हैं तो टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट के इस वीडियो में आपने पढ़ा दो टाइप्स की रिपोर्ट होती है टेक्निकल रिपोर्ट और पॉपुलर रिपोर्ट टेक्निकल रिपोर्ट मेनली टेक्निकली चीजों के लिए की जाती है आपको किसी भी चीज के बारे में रिकॉर्ड करना है या कुछ चीजें पब्लिक को बतानी है उसके लिए की जाती है पॉपुलर रिपोर्ट जब आपको पॉलिसी को इम्प्लीकेशन करना है तब की जाती है और लास्ट आता है ओरल प्रेजेंटेशन कि आप ओरली चीजों को रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू